नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया में आज एक ऐसे मंत्री का वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक बार ज़रूर कहेंगे, मंत्री हो तो ऐसा, जिसे आम जनता की चिंता है, जिसे गरीबों की चिंता है, जो एक्शन लेता है ऑन द स्पॉट और फैसला भी करता है ऑन द स्पॉट। कौन है वो मंत्री, क्या एक्शन लिया उसने और क्या फैसला किया जिसके बाद उसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे और उस मंत्री के बारे में भी सारी बातें बतलाएंगे। बस इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक ऐसे मंत्री की जिसे चिंता है आम जनता की, जिसे चिंता है गरीबों की, जो एक्शन लेता है ऑन द स्पॉट, जो फैसले करता है ऑन द स्पॉट। कौन है वो मंत्री, ये वीडियो को देखने के बाद आप भी पहचान जाएंगे, क्योंकि इन दिनों उस मंत्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले इस वीडियो की एक झलक आपको दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो को। आप ऐसे करिए, अपना बैग पैक करिए, घर जाइए, हम आपकी जरूरत नहीं है सरकार में। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनको इतना समझ में नहीं आता, वो पैक योर बैग एंड गो होम, इनका टर्म रेस्ट कर दीजिए तुरंत। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मंत्री को पहचान गए होंगे, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि यह मंत्री हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो लेबर मिनिस्टर भी हैं। पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली के लेबर ऑफिस का सडनली इंस्पेक्शन किया और वहाँ इंस्पेक्शन करने के दौरान उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ी पाया, कर्मचारियों को गड़बड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, उन्होंने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया और ऑन द स्पॉट गड़बड़ी करते हुए कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसलिए अब इस मंत्री के बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं कि मंत्री हो तो ऐसा, जिसे लोगों की चिंता है, गरीबों की चिंता है, जो एक्शन लेता है ऑन द स्पॉट और फैसला करता है ऑन द स्पॉट। आखिर पूरी कहानी क्या है, हम आपको तफसील से बताते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो श्रम मंत्री यानी लेबर मिनिस्टर भी हैं, 12 जनवरी को अचानक निरीक्षण करने पहुंचते हैं श्रम कार्यालय यानी लेबर ऑफिस। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में पुरुष के बजाय महिला की तस्वीरें लगाए जाने जैसी लापरवाही देखी। वहीं कुछ मामलों में मजदूर के रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय में उपस्थित होकर लाइव फोटोग्राफ के बजाय पहले की खींची हुई फोटो लगाते हुए भी कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। 12 जनवरी को जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए लेबर ऑफिस पहुंचे तो इंस्पेक्शन के दौरान लगभग एक दर्जन मामलों में शिकायतें सही पाए जाने के बाद सिसोदिया ने श्रम कार्यालय के मैनेजर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। अब हम इस वीडियो को पूरा दिखाते हैं और आप ज़रा गौर से देखिए भी और सुनिए कि मनीष सिसोदिया वहाँ कर्मचारियों से कैसे बात कर रहे हैं और किस तरह से उनके द्वारा की गई गड़बड़ियों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी थी कि यहाँ जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर लगाए गए हैं और जो मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाना है, कैसे उसे अंजाम देना है। उसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वहाँ बैठे कर्मचारी काफ़ी गड़बड़ी कर रहे थे, जिसकी शिकायत मनीष सिसोदिया को बार बार मिल रही थी और उन शिकायतों को मिलने के बाद ही मनीष सिसोदिया अचानक वहाँ पहुँचे थे निरीक्षण के लिए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने बहुत सारे गड़बड़ी को, बहुत सारी शिकायतों को सही पाया। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए भी। कहाँ है आपके डीएस? ब्लॉक
ये पूरा लेबर का ही है, आप लोग किस लिए आए हुए हैं? रेनू के लिए। किस चीज के? रेनू के लिए। निकलेगा ये कंप्यूटर पर से निकल नहीं रहा, ये कंप्यूटर पर निकल नहीं रहा था सर, तो तुम्हारे आए हैं यहाँ। क्या है ये, क्या कर रहे हो सर? और वॉच सर, ये रजिस्ट्रेशन। तो नया रजिस्ट्रेशन है या पुराना है? नया है। उनकी कंप्लेंट आई है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन। ये लाइव है फोटोग्राफ? नहीं सर, लाइव नहीं है सर। तो बिना लाइव के ले ली सर? किस समय के देखना पड़ा सर? किस समय की, क्या ये बताओ ना, कैंप के समय से? एक मिनट, यही तो देख रहे ना, मतलब पहले तो ये मान रहा हूँ ना कि ये फोटोग्राफ। जी सर, फोटो वाली है। ये जो ऊपर फोटोग्राफ लगी है, जी सर, ये और नीचे वाली एक ही है। जी सर, है ना? जी, ये कायदे में लाइव होनी चाहिए। जी सर, है ना? गड़बड़ तो है। जी सर, उस समय का है सर, मैं बताता हूँ। क्या ऐसा अलाउड है कि आप लाइव फोटोग्राफ जो है, क्योंकि लाइव फोटोग्राफ का मतलब आदमी यहाँ आएगा कैमरे के सामने, आप उसका फोटो खींचोगे? जी सर। और उसके बाद ये माना जाएगा कि वो जो फॉर्म पे फोटो लगी है और ये मैच कर रही है? जी सर। तो आपने फॉर्म वाली फोटो की ही फोटो खींच के यहाँ लगा रखी थी सर, ये तो गलत है? जी। बताओ, ये देखिए राजू शाह का फॉर्म है और नीचे फीमेल की फोटो लगी हुई है, लाइव सिटीजन फोटोग्राफ में फीमेल की फोटो खींच कर आएगा। सिस्टम ये कहता है कि ये आदमी होगा, ये अप्लाई करेगा, इसका एक फोटो यहाँ पर लगेगा, फिर ये वेरीफाई करेंगे, बंदों को यहाँ बुलाएंगे, बंदों को बुला के यहाँ पर फोटो खींचेंगे, ठीक है? राजू शाह नाम का आदमी है, फॉर्म पर फोटो ये लगा हुआ है, यहाँ लाइव फोटो ये लगा हुआ है इसका। मैडम कह रही क्लरिकल मिस्टेक है। ये क्लरिकल मिस्टेक है सर, क्लरिकल मिस्टेक इन डायरेक्ट डीए की आईडी से सर। डीए डायरेक्ट डायरेक्ट मैं नहीं जानता हूँ, मैनेजर आप हो कि मैं हूँ? पहले मेरी आईडी पर आते सर, तब चेक होते थे, अब मेरी आईडी पे आते नहीं सर, जो डीलिंग असिस्टेंट से मतलब सीधा फिर डीए सर की आईडी पर। मैनेजर की जिम्मेदारी है कि नहीं है सर? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर। आईडी भी इनकी है, आईडी दिखाओ खुलते मेरा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते फीमेल लोगों में? दो बार आपके पास आई है? नहीं सर, ये डायरेक्ट ही इस आईडी से सर के पास। तो आपकी आईडी से गई है ना? जी। अब आप ऐसे करिए, अपना बैग पैक करिए, घर जाइए, हम आपकी जरूरत नहीं है सरकार में। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनको इतना समझ में नहीं आता है, वो पैक योर बैग एंड गो होम, इनको टर्मिनेट कर दीजिए तुरंत। तो डिलीवरी असिस्टेंट कौन है इसमें? आपकी आई डी यूज हुई है ना? बस्ती ट्रांसफर में गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, और तुम लोग यहाँ पैसा खा खा के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, वो हम टर्मिनेट कर देंगे। इनको अभी यहाँ से हटाइए, इनकी आई डी वगैरह ले लीजिए सर, आप इनको हटाइए, ये हैंड ओवर वगैरह करिए अपना पूरा, ये आप इनको चार्ज दे दीजिए फिलहाल के लिए, आज के लिए। लिंक ऑफिसर आप ही हो ना, तो आप चार्ज लेके इनको फ्री करिए, आज इनको फ्री कर दीजिए और इनका ऑर्डर कर दीजिए टर्मिनेट करने के लिए, बाय ऑर्डर टर्मिनेट कर दीजिए। किस नंबर से फोन आया था आपके पास? फोन तो रोज रहा इस नंबर पे, कहाँ का नंबर है? देखो जरा अंदर बताने, हाँ देखो। हेलो फोन, हेलो, हाँ यही क्या है नंबर आपका? ओके, यही कंफर्म करना था। ठीक, यही फोन कर रहे थे ना भैया, यही यहाँ से फोन कर रहे हैं लोगों को और फिर हैरेस करते हैं, पैसा मांगते हैं लोगों से। ये सर, आप इनको रिलीव करिए, खत्म करिए इनकी नौकरियाँ से, उनको हमने सस्पेंड कर दिया, बेईमानी कर रहे थे, बढ़ा दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो दोस्तों, ये था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का वो वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसे देखने के बाद अक्सर लोग कमेंट कर रहे हैं या अधिकतर लोग कमेंट कर रहे हैं, मंत्री हो तो ऐसा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त फेसबुक पर इस मनीष सिसोदिया के इस वीडियो को लगभग 40,000 शेयर किया जा चुका है, जबकि 1,22,000 लाइक मिल चुके हैं इस वीडियो को। वहीं अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में अब तक इस वीडियो को 10,000 लाइक मिल चुके हैं, जबकि 1,50,000 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं और 2,500 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी राज्य में, आपके इलाके में
कोई मंत्री भी ऐसा ही कुछ कर दे जिसका वीडियो देखने के बाद आप कहें वाह मंत्री हो तो ऐसा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।